हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेशल बाय लव चौधरी। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 पूरी कंप्लीट कर दी थी। इसी वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में बस तीन ही क्वेश्चन है, 1, 2 और 3, ये तीन, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैंने ये रिवाइज खुद कर चुका हूं। जिसके पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर्स, मतलब जो इन ये फिगर है उसमें कुछ हमें वो बताने हैं एंगल्स। तो जो हमारा पहला एंगल है वो है, जो हमारी एक्सरसाइज है 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा इधर दिया हुआ है कुछ ऐसे टाइप का ये फिगर। इधर जो पॉइंट है, इधर का है डी, इधर का नाम है ए, इधर का नाम है सी, इधर का नाम है बी। तो हमारा जो पहला एंगल बन सकता है वो बन सकता है डी ए और बी का, डी ए बी, ये एक एंगल बन जाएगा पहले डी ए बी एंगल। फिर जो हमारा अगला एंगल बन जाएगा वो आ जाएगा ए बी सी, ये एक एंगल बन जाएगा। फिर अगला जो हमारा एंगल बन जाएगा वो बन जाएगा बी सी और डी, ये भी एक एंगल बन जाएगा। फिर एक और लास्ट एंगल बना दे रहे हैं बी डी और ए, ये एक एंगल बन जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट एस पॉइंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर ए है। पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी जो फिगर हमें बताने वाला है हम वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। वो फिगर कुछ हमारा इस टाइप का है, ये लाइन थोड़ी हमारी टेढ़ी है ये वाली, फिर हमारा एक लाइन ऐसे निकली हुई है, एक कुछ ऐसे, एक कुछ ऐसे है। इधर की है ये ई, इधर की है हमारी बी, इधर की है डी, इधर की है ओ, इधर की है सी, इधर की है एफ, और इधर का एक। पहले पहले पार्ट में हमें पूछा गया है इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। पहले हम देख लेते हैं डी ओ ई का एंगल किधर बनना है। देखिए डी एरा ओ एरा ई एरा, मतलब जो हमारा एंगल बनना है वो बनना है ये, इसके इंटीरियर, इसके अंदर अंदर कौन सा वो आ रहा है। तो इसके अंदर जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ए, आप इधर देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा पॉइंट ए आ रहा है। पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ। इधर ई है, इधर ओ है, ये एफ है, तो हम इधर इधर ये एंगल बनना है। इसके आउटसाइड जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा सी, इसे एंगल है, इसके आउटसाइड हमारा सी आ रहा है, इसका साइड हमारा सी हो गया। ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ हमारा पहले देख लेते हैं, ये वाला एंगल ई ओ एफ, इसके जो पॉइंट पर आ रहा है वो आ रहा है, देखिए पहले इधर पॉइंट एस एफ आ रहा है, फिर आ रहा है हमारा पॉइंट ओ इधर एफ ओ, फिर हमारा एक पॉइंट आ रहा है इधर बी, फिर हमारा एक और इधर पॉइंट आ रहा है ई, ये होगा, ये हमारे सारे पॉइंट होगा जो इसको इंडिकेट करते हैं इस पे। दो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है ड्रॉ द रफ ट्राइग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे है, मतलब कुछ हमें डायग्राम्स, रफ डायग्राम्स बनाने जो इस जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए को इंडिकेट करें। जैसे वन पॉइंट इज कॉमन है, हमें कुछ ऐसा डायग्राम बनाना है जो एक पॉइंट को कॉमन रखें डायग्राम में। जैसे मैं पहला पॉइंट बनाता हूँ ऐसा, पहले हम नीचे लाइन खींच लेते हैं ऐसी, फिर हम इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं। मैं रेंडमली कुछ नंबर ले ले रहा हूँ, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, पहले मैं नंबर लिख देता हूँ जो मैं ले रहा हूँ। पहले मैं ले रहा हूँ इधर, इधर मैं ले रहा हूँ डी, डी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। मैं कुछ कॉमन नंबर्स ले रहा हूँ। अब डी को हम रखते हैं इधर, ए को रखते हैं हम इधर, और सी को हम रखते हैं इधर, बी को हम रखते हैं इधर, और ओ रखेंगे हम कॉमन। हर जो पार्ट बनाएंगे उसमें ओ हमारा ज़रूर कॉमन रहेगा। अब देख सकते हैं आप जो भी हमारी लाइन निकल रही, जैसे ये निकल रही है, इसके बीच में क्या कॉमन आ रहा है ओ, इधर लाइन निकल रही है इसके कॉमन क्या आ रहा है बीच में ओ, इधर लाइन निकल रही है इसके कॉमन बीच में क्या आ रहा है ओ। तो किसी भी केस में जो हमारा एक पॉइंट है वो उसमें कॉमन आएगा ज़रूर। तो बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है टू पॉइंट्स आर कॉमन, मतलब जो दो पॉइंट है वो कॉमन है। तो इधर देखते हैं हम, पहली बात इसमें एंगल्स भी बना सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ से इतना एंगल बनना है, आप चाहें तो इसको मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बुक, क्योंकि बुक से ही हमें मेजर करना होगा। तो पार्ट नंबर बी में देखा टू पॉइंट्स इन कॉमन, मतलब टू पॉइंट हैं वो कॉमन आ रहे हैं। जैसे हम बनाते हैं एक कुछ ऐसे, एक मैंने ऐसे बना लिया, अब मैं किधर भी कोई से पॉइंट कर सकता हूँ, पर मेरे को बी पॉइंट ज़रूर कॉमन रखना है, मेरे को ध्यान रखना होगा। और जो कॉमन निकल रही है वो निकल रही है, इससे देख सकते हैं आप, इधर ये कॉमन है, ये कॉमन है, हमें दो पॉइंट कॉमन मानने हैं,
एक इसे मान लो, इसे मान लो, या फिर इसे मान लो, इसे मान लो, कैसे मान लो, पर एक पॉइंट हमारा कॉमन चाहिए जो कि हमारा है, वो किसी भी साइड से देख लीजिए पर वो जरूर हमारा कॉमन आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ, मतलब थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, मतलब थ्री पॉइंट्स है वो कॉमन है, थ्री पॉइंट्स है वो कॉमन है। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस टाइप का। पहले हम राइट एंगल बना लेंगे, जो हमारे एंगल्स हैं वो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं एंगल्स के बारे में। तो हम एक एंगल ऐसा बना लेते हैं, हम इसको जब मेजर करेंगे एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बन जाएगा, हमने इसमें भी बना सकते हैं ऐसे, एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा। तो ओ पॉइंट इधर कॉमन रहेगा, इधर रहेगा हमारा सी, इधर रहेगा हमारा डी, इधर रहेगा हमारा बी। तो हमारा किसी भी केस में देख लीजिए, इधर से रे निकल ले, इधर से रे निकल ले, इधर से रे निकल ले, फिर जीरो वो जो ओ है हमारा वो कॉमन ज़रूर आ रहा है। तो पार्ट नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं, फोर पॉइंट्स इन कॉमन, मतलब फोर पॉइंट्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं। तो ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, इधर के ये एंगल निकल गए, ये पॉइंट को हम जीरो मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब किधर से भी निकाल लीजिए, इधर निकाल दीजिए, इधर निकाल दीजिए, इधर निकाल दीजिए, जो कॉमन आ रहा है वो हमारा ओ ही आ रहा है। तो वन रे इन कॉमन, मतलब एक रे को कॉमन बनाना है। मान लीजिए मैंने बनाई एक रे, ये रे होती है जिसके एक साइड वो रहता है, एक साइड ही किधर साइड से मान लीजिए रे ज़रूर होगी। तो इसको कॉमन बना देते हैं बी, इसको बना देते हैं सी, इसको बना देते हैं डी। अब किधर साइड से भी निकाल लीजिए आप, रे ज़रूर बन जाएगी क्योंकि एक साइड से बंद है, किसी सारे कॉमन इधर पे ऊपर टिके और जो हमारा आगे है वो आगे से खुला हुआ है, मतलब एरो है। तो ये बन गई रे और उसमें कॉमन है, सब में एरो कॉमन है। और इधर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये और उसके सारे पार्ट्स ये हमने कर चुके हैं, डन। तो अगली जो एक्सरसाइज वो हमारी है 4.4, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी है, जिसको मैं अगली वीडियो में समझा सकता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।